एक्सएलएल कैरियर नॉलेज हब मैसेल परमिनी। आज मैं आप लोगों के लिए रैंकिंग एंड डायरेक्शन के पार्ट टू लेके आई हूँ, जिसमें आप लोगों को कुछ नया टाइप के क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर के ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर मिल जाएगा। क्या आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे टाइम सेव करते हैं? क्या आपको ये पता है कि रीजनिंग जो पार्ट है उसमें कैसे टाइम सेव करना है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। सीखने वाले हैं उसमें हम लोगों को ये एक बात जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये जो अल्फ़ाबेट्स है उसका जो पोजीशन और रैंक जो भी है उसको याद रखना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी याद रखना है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हम लोगों को याद रखना है। अगर याद नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को कुछ टाइम मिलता है, तो उस समय पर हम लोग जो पेपर मिल रहा है हम लोगों को उसमें ये नोट करके भी रख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लेबर, ईच ऑफ हुइच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज दे हैव बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। आंसर से ए नन, बी टू, सी बी वन, सी टू, डी थ्री, ई नान ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये जो लेबर वर्ड है उसको लिख लेना है, ठीक है, और जो इसका लेटर्स है, लेटर्स का जो पोजिशन है उसको भी लिख लेना है। आप लोगों को ये इसका पोजिशन याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पेपर में आप लोग लिख के अलग से रख सकते हैं और देख के आप लोग लिख सकते हैं। एल का पोजिशन है, एल का पोजिशन है 12, एल का पोजीशन है 12, ए का 1, बी का है 2, ओ का आएगा 15, यू का आएगा 21, आर का आएगा 18, ठीक है। अब देखना है ये जो पोजीशन है, देखना है इसके बीच में कितना लेटर्स है। 1 2 A आ गया ना, 1 2 A हो गया एक पेयर, यानी कि ए बी, ये अल्फाबेटिकल सीरीज में जैसे है इधर, ये इस वर्ड में भी वैसा ही है ए बी। फिर आते हैं 12, देखते हैं 12 13 14 15, है ना, ये जो एल एंड ओ है उसके बीच 2 लेटर्स है, और जो हम लोगों का अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें भी सेम ही है, एल एंड ओ के बीच में 2 लेटर है। तो हम लोग ये देखना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ रैंक को देखना है, ठीक है। 12 13 14 15 आ गया 2 पेयर्स, ठीक है, 1 ये 2, और आएगा क्या देखना है हम लोगों को, और नहीं आएगा। देखिए 12 13 14 15 16 17 ये तो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, 15 16 17 ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो 2 पेयर्स ही हम लोगों को मिल गया, तो आंसर होगा सी 2। अब क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन ये जो वर्ड है ये अलग है, ठीक है, ये वर्ड अलग है, क्वेश्चन सेम ही है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले ये लेटर्स का जो पोजीशन है उसको लिख लेना है। जे का पोजीशन कितना है 10, ओ का है 15, यू का है 21, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो पोजीशन है वो लिख रहा है, ठीक है, यू का 21, आर का 18, एन का आएगा 14, वाई का आएगा 25। अब देखना है कितना पेयर्स आएगा, 12 11 12 13 14, ये मैच हो रहा है 14, इसके बीच में 3 लेटर्स हैं, ठीक है, इस वर्ड में जो जे एंड एन, जे एंड एन के बीच 3 लेटर है, जैसे कि हम लोगों को जो अल्फाबेट्स है उधर भी हम लोग को ऐसे ही मिलेगा, जे एंड एन के बीच में भी 3 लेटर से मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 पेयर, और आएगा क्या, और तो
तो नहीं दिख रहा है, नहीं मैच नहीं हो रहा है, तो और नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 15 से ये 25 नहीं हो सकता, 10 से 14 भी 8 हो गया, 15 से 18 भी नहीं होगा, तो सिर्फ 1 ही आ गया, तो आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन भी सेम ही है, वर्ड अलग है। वर्ड क्या है? माइनॉरिटी। फिर सेम ही है, उसको लिख लेना है, वर्ड को लिखना है, फिर पोजिशंस लिखेंगे। ठीक है, पोजिशंस लिखना है। अभी एम का आएगा 13, एम का 13, आई का 9, एन का आएगा 14, ओ का 15, आर का आएगा 18, फिर आएगा आई का 9, टी का 20, ये वाई थोड़ा पीछे लिखते हैं, वाई का आएगा 25। ठीक है, अब मैच करना है। ये है देखिए 14, 15, ये एक मिल गया, ये एक पेयर मिल गया, और देखना है हम लोगों को 18, 19, 20, ये भी एक हो गया। ठीक है, 18, 19, 20 जो हम लोगों का अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें भी ये आर एंड टी के बीच एक लेटर है, और इधर भी एक है, और मिलेगा नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 2। सी आएगा हम लोग का आंसर, सी आएगा। तो नेक्स्ट और एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग है। ठीक है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिप्रा आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजिशन। यानी कि जो सिप्रा जो वर्ड है उसको हम लोगों को फिर से अरेंज करना है, जो अल्फाबेट अल्फाबेटिकल सीरीज में जैसे रहता है हम लोगों को वैसे अरेंज करना है। ठीक है, सिप्रा, तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, फिर आएगा एच, फिर आएगा आई, फिर आएगा पी, आर, एस। अल्फाबेट्स में जैसे रहता है वैसे ही आ रहे हैं ये, ए, एच, आई, पी, आर, एस। तो यहाँ कितना लेटर्स का जो पोजीशंस है वो रिमेन मतलब सेम है। ठीक है, पहले इसका पोजीशन जितना था इधर भी उतना ही है, कितना लेटर्स का सेम है ये हम लोग को निकालना है। तो देखते हैं, इसका सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो कितना लेटर्स हो गया? 4, 4। तो आंसर 4 यहाँ नहीं है, तो क्या होगा? नान ऑफ डीज होगा, ई होगा, नान ऑफ डीज होगा। ये क्वेश्चन भी पहले जो किया था उससे सेम है। क्या निकालना है? उसका जो लेटर्स का लेटर्स को अरेंज करना है, जो अल्फाबेटिकल सीरीज में रहता है वैसे अरेंज करना है मिश्र। तो पहले क्या आएगा? ए, फिर आएगा एच, फिर आएगा आई, फिर आएगा एम, आर, एस। तो यहाँ कितना लेटर्स का पोजीशन सेम है? एक, सिर्फ एक का है। ठीक है, एक लेटर्स का पोजीशन सेम है, तो आंसर आएगा ए, 1। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि टाइम कैसे सेव करना है। आप लोगों को क्या करना है, जो अल्फाबेट्स के पोजीशंस है उसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जब याद रखेंगे तभी आप लोग जल्दी से, आप लोग जब एक लेटर को देखेंगे तब आप लोगों को उसका पोजीशन जल्दी याद आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, एंड बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आई हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।